और ये सबको पैगाम हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ मंदिरों में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम वर्कर कार्यकर्ता और जियाले भी थे। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं तो हम सब एक, कुछ लोग नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे रहते हैं वो बिके रंग बिके नस्ल बिके जात बिके पाप, हम इस धरती पे सब एक हैं। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलाके आदत को भी हमने बताया कि हम जाके हर मंदिर में कराची में जो है जहाँ पे ये खुशियों का त्यौहार मनाते हैं। हाँ,
कुछ मैंने पहले भी बताया था, कुछ ऐसी इंटरनेशनल होते हैं जो हमारा घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं, वो खुश नहीं है तो यहाँ पे हम कोई अपनी इबादत कर सके। उनकी ये मर्जी है कि हम पाकिस्तान को बदनाम करें, पाकिस्तान में मंदिरों पे हमला करवाएं, इनकी खवातीन को हम जोरी जबरदस्ती देके मसल तब्दील करें। लेकिन मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ, हम इस धरती की पैदावार हैं, हम इस धरती से मोहब्बत करते हैं, हम कोई बाहर से नहीं है, हमारा खाना हमारा पीना इस धरती से है और रहेगा। अब कितनी भी कोशिश करो लेकिन हम यहाँ से माइग्रेट होके नहीं जाएंगे। उनकी ये मर्जी है तो 1947 वाला काम हो, लेकिन हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम कभी भी इस धरती से वापस कभी जाएंगे नहीं। हम इधर मरना कबूल करेंगे लेकिन यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। सबको कृष्ण भगवान के जन्मदिन की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये आप लोगों को ये सारे घर लीज करके देंगे, कभी आपको यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी में वो पावर है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ही कैन डू एवरीथिंग। जोरदार तालियां इनके लिए। दूसरी बात, हमारे जितने भी ये बच्चे लोग हैं बेरोजगार, इनको ये पक्की नौकरियां भी दिलवाएंगे। जोरदार तालियां। और जेम्स भाई का भी शुक्रिया कि जो इतने सारे लोगों को लाए हैं। जेम्स भाई के लिए जोरदार तालियां। पाकिस्तान। अब कीर्तन शुरू।